ये कसाई, ऊपर से है भाई अब्बा, इतनी देर में तो फिल्म का इंटरवल हो जाता है, आपकी फिल्म अभी शुरू ही नहीं हुई, मुझे क्यों बुलाया है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना जी? अब मैं नील पेंट लेके आती हूँ। अबे आराम से बैठ, बैठी बच्ची। अबे मैं ये कच्चा गोश्त बेच बेच के पक गया हूँ बिल्कुल। तो अब हमें तो ना पकाए ना। काश तो मेरी बेटी ना होती। अरे कितना अच्छा ड्रामा था ना। अबे सब तेरा कसूर है दयूस। आपकी भी तो बेटी है ना जी, किसने बुलाया था ये बता दे। अबे बता रहा हूँ ना वो, अबे एक पिलान है मेरे जहन में। अबा कैसा प्लान? मैं वही तो बता रहा हूँ। बात लंबी है, मैं सब्जी ले आती हूँ, काट लेती। अबे तुझे काट काट के ये रख दूंगा सब्जी की औलाद, आराम से बस। अबा मैं ना बोर हो रही हूँ। अबे मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा कोई है? देखो ये जो काम चल रहा है दुकान का, इससे सिर्फ घर का खर्चा चलेगा। अबे मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा काम हो कि काम को आगे बढ़ाए। मुझे आठवीं फेल से आप ऐसी बातें घुमा के बातें कर रहे, मुझे तो परसों में समझ में आएगी। अबे परसों तो छोड़ दे, तुझे बरसों समझ नहीं आएगी। क्या कर रहा है राजू, सारी मट्टी उड़ी है यार। लाजमी बात है मट्टी उड़ेगी इसमें से, और क्या पतंगे उड़नी है। अरे तुम दोनों क्या चक 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 किए चले जा रहे हो? मम्मी मारेंगी। सुन लिया मैंने, और ये सौंफ निकाल के बात किया करो। हाय कमबख्तों, तुम दोनों की मिसकॉटें बंद हो जाएं तो मैं कोई बात करूं, आइडिया चाहिए मुझे। मैं बताऊं? मम्मी बात कर रही है तुमसे। ए लल्लू तू बीच में ना बोल, आइडिया है मुझे तेरा कि तेरा आइडिया से कोई ताल्लुक नहीं? तो बोल राजू, बहुत टेंशन में हूं मैं, मुझे बता इन जनों की घर से कैसे दुड़की लगवाऊं मैं। वैसे नीलू भाई एक बात करूं, आपको शर्म नहीं आती इसको अपना बेटा कहते हुए? हाय राजू, नीलो खुद शर्मिंदा है, उसके कातिल जिंदा है। मैं बस से बात करके तेरी तनख्वाह कटवा दूं, और तेरे काम भी इतने बड़े बड़े काम बकरा दूं। अबे तू क्यों नहीं बकरिया, आइडिया क्यों नहीं बकरिया? कुत्ता पाल ले, अब ये हद से आगे बढ़े, मम्मी मैं चप्पल दूंगा इसको मुंह पे। ओहो कुत्ता पालने की बात कर रहा हूँ, अलग से इससे होएगा क्या? डर खौफ और दिमागी फितूर पूरे घर में फैल जाएगा, इसकी वजह से घर छोड़ के भाग जाए। आइडिया की दुम है। ठीक है जैसा मर्जी करो, मगर ये कुत्ता थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बताइए आपको मम्मी। एक और आइडिया दूं, डाका पड़वा दे उनकी साइड पे। हाय मेरे मालिक, काश मैं तुम दोनों को देके नई पतीलियां ले लेती तांबे की, मेरी जिंदगी सुकून में आ जाती, निरे निकम्मे। नीलबाजी खुद ही खुद सोचो, इनसे ना बनेगा, इनसे कुछ ना बनेगा भाई। माँ ये सब बातें ना फिल्मों और कहानियों में अच्छी लगती हैं। किस चीज की बू आ रही है ना, जैसे कोई हट हराम आस पास ही हो है ना। कुछ भी कहो अम्मा, अनहोनी को होनी करने के लिए ना बहुत मेहनत चाहिए। तो फिर ठीक है, यही बैठी रहे और लड़ती रहे अपने चाचा चाची से। लड़ाई तो होगी लेकिन क्लाइमेक्स के बाद। मैंने वो रील ही काट देनी है। अम्मा खुद बताओ, ये फ्रोजन फूड का काम कोई खाला जी का घर है? तो तू क्या सारी उम्र बैठ के टीवी देखती रहेगी या कोई काम भी करेगी? बस एक बार ये काम चल पड़ा ना तो हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। अच्छा हम करोड़पति हो जाएंगे, अगर हम फ्लॉप हो गए ना तो फिर चाय की पत्ती के भी लाले पड़ जाएंगे। वैसे तेरे नाना कभी कभी कितनी प्यारी बातें करते थे ना। क्या बातें करते थे? ये कि शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया था। अच्छा मतलब हम नगेट्स कबाब सॉसेजेस घर पे बनाएंगे, फ्रीज करेंगे और अब्बा उसे बेचेंगे। जाहिर है खुद ही खा जाएंगे। अम्मा मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये काम जो है ना बहुत मुश्किल है। एक दफा तूने फिर ये लफ्ज बोला ना कि अम्मा बहुत मुश्किल है परेशानी है, तो सबसे पहले कपड़े धोएगी फिर बर्तन। अच्छा ठीक है, पहले अब्बा को गोश्त तो लाने दो, बाकी का काम बाद में देखेंगे। तो मसाला भी अब्बा ही तैयार कर ले है ना। ये चाह रही है तू, चलो जाके काम कर। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ कि पैसे वगैरह कितने मिलेंगे मुझे? पैसे को छोड़ वगैरह ले लेना, ला इधर दे चल। अच्छा ठीक है माँ, वो वगैरह क्या करूँगी, पैसे ही दे दो। चल हाय, पल में रानी पल में नौकरानी, ये भी कोई जिंदगी है? अब तो जिंदगी में सिर्फ आराम चाहिए आराम मेरे सरताज। बहू
महल के बच्चे। सिर्फ मेरे बच्चे, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है, तंग मत। अरे वो करो काम, मैंने रोका थोड़ी है तुमको। तुम पास होते हो ना? मैं पास होता हूँ ना। तो ना बोलो ना, बहुत बुआ दिए तुम्हारे मुंह से। अरे सुबह चार दफा दांत साफ किए हैं, सब तुम्हारी कसम। एक दफा ना पेस्ट भी लगा लेते। जोक मारा तुमने मुझ पे। बिल्कुल जोक मारा। और ये तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? अब्बा कैसे इंप्रेस होंगे तुमसे। अरे बस पैसे वैसे इकट्ठे हो जाए, उसके बाद ले लेंगे नए कपड़े। वैसे महारानी साहिबा मुझे ये बताओ कि आज किचन में काम हो रहा है, क्या बात है? पता है अब्बा ना प्लान बना रहे हैं पैसे कमाने का। हम फ्रोजन फूड बेचेंगे। लेकिन तुम्हें क्यों बताऊं सब कुछ? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मम्मी, बस वो सभा काम कर रही थी और मैं उसको काम करते हुए टीप रहा था। कुछ नहीं ताई, बस घर के काम वगैरह कर रही हूँ। अम्मी नमक कहाँ रखा है? अम्मी मैं पूछ के आती हूँ। अम्मी तुम्हें पता है चाचू जो है ना वो फ्रोजन फूड का काम शुरू कर रहे हैं, और राहिला चाची और बाबा उनको मदद कर रही है मसाले बनाने में। अरे वाह मेरे आस्तीन के आशिक, पहली दफा अच्छा लगा तुम। तो राहिला तीन साल की बात है बादशाह, तीन साल के बाद या तो ये घर अपना हो जाएगा या नया ले लेंगे। आप ना जी ये वाला घर खरीद लीजिएगा, मुझे ना इसकी आदत हो गई है। आदतें तेरी वैसे बड़ी खराब हो गई है, सारी दुनिया खरीदूं तेरे लिए मैं। राजू ने खबर दी कोई? हाँ जी, वो ना कल बिजली वाले आएंगे और मीटर काट के चले जाएंगे। हमने अगर बिजली का बिल नहीं जमा करवाया तो। बिजली वालों के मैं तुझे जमा करवा दूं? वैसे भी जनरेटर की कमी पड़ी उनके पास बहुत। अब मैं नीलोफर रशीद की बात कर रहा हूँ। वो हाँ नहीं मैं अभी पूछती हूँ। राजू जी, बाप का नौकर आ गया, बोले। क्या खबर है भाई? आज तो अखबार ही नहीं आया साहब। तो इंसान के बच्चे, मैं रशीद नीलोफर की खबरें पूछ रहा हूँ। अच्छा वहाँ वहाँ तो साहब साजिशें चल रही हैं। हाय अल्लाह, कैसी साजिश? आपको घर से निकालने की। ओए होए, तो इस हद तक गिर गई वो चुड़ैल? रशीद पर चुड़ैल है? अबे रशीद की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बीवी की बात कर रहा हूँ। कुत्ता पालने की बात कर रहे हैं? अरे चोरी करवाने की बात कर रहे हैं आपकी साइड पे? एक बार मेरा प्लान कामयाब हो जाए ना, खुदा की कसम नजर भी नहीं आऊंगा, निकात खोलूंगा मैं। जादू टोने की बात कर रहे हैं साहब? अबे वो टोने, तूने क्या जवाब दिया इस बात का? अरे मैंने तो साफ साफ कह दिया साहब, खुदा का खौफ करें, सगे भाई हैं आपके, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? फिर क्या कहा उन्होंने? यही कह दिया, यही मुंह दिखाएंगे। सुनने राइडर, बस चुप चुपाते काम हो गया सारा, समझ गए ना? किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। कौन सा काम साहब? दीवारों के भी कान होते टंटने। हो क्या रहा है इस घर में? अब्बा पैसे दो, वो नमक लेके आने मार्केट से सभा के लिए। सुन उमेर, तुम कहीं नहीं जाओगे। जहर ना दे दूं तुझे, नमक लाएगा नमक हराम, चुप करके बैठ जा। ये कोई इतने गुस्से वाली बात तो नहीं है। फिरोजन फूड का कारोबार शुरू कर रहा है तुम्हारा भाई, सिनो में तुम यही पड़े रहना सिलोमैन बन के। तो मम्मी ये फ्रोजन फूड का काम करने में क्या बुराई है? हाय मेरे लाल, तेरी क्या बात है, मेरा दिल चाहता है थप्पड़ मार मार के तुझे लाल से पीला कर दूं। अबे अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या घोड़े? जिसको नमक चाहिए वो खुद लेकर आएगा, समझ में आया ना? ठीक कहा ना मैंने नीलू बेगम? है मेरे मालिक, अगर इस शख्स की खोपड़ी में दिमाग नहीं डालना था तो थोड़ी सी मूंगफलियां डाल देता, मेरा कोई तो फायदा होता। बारा चनार की है। जैसे ठंडी भी हो रही है बहुत मम्मी। अब्बा पैसे दो, जाओ मैं मूंगफली लाके देता हूँ तुमको। निखट्टू, सबके सब निखट्टू। अरे मेरे लल्लू, जो और बाजार जाकर ले आ कुदरत का अनमोल तोहफा, जमाल गोटा। जमाल गोटा, जमाल गोटा। अमित कहाँ रह गए? ये गोश्त लेने गए हैं बनवाने? बस अम्मा अब नहीं हो रहा मुझसे। और आखिर चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? ये चोरी चल रही है, और इससे पहले ग्राइंडर चल रहा था, और अगर आपने एक भी काम मुझे और कहा ना तो मेरी जुबान भी चलेगी और मेरे हाथ भी चलेंगे। देख बताती है या उंगली टेढ़ करूं मैं? अम्मा क्या पहेलियां बुझवा रही हो तुम? मैं कोई घी हूं जो तुम उंगलियां टेढ़ी करोगी? तेरा और उमेर का कुछ भी नहीं चल रहा। अम्मा क्या मतलब है आपका? मतलब ना तो सब जानती है। देख अपने दिमाग से ना मेरे को निकाल दे,
तेरा चाचा और तेरा बाप इस घर के पीछे पड़ा हुआ चील कबों की तरह, और वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि तेरी शादी हो। शादी? और वो भी मैं? अम्मा तुम्हें ना बहुत दूर की सोच रही है। तू क्या कह रही है? है? तू टाइम पास कर रही है? तुम बेटा नहीं, शकी लड़कियां ना ऐसे नहीं करती। तो और कैसे करती है? 2019 चल रहा है ये, आजकल तो सब चलता है, सब चलता है अम्मा, सब चलता है। सब चलता है आजकल, सब चलता है सब। माँ को समझाएगी, माँ को समझाएगी। है मारे जा रही है, अब मारे जा रही है, तेरी हरकतें भी देख रही। अबे खोल ना मुसार, देख रहा बंदा खड़ा हुआ बाहर, बस बेकार किस्म के इंसान पाले हुए हमने, कोई काम के नहीं है कोई भी। अरे सोच रहा हूँ साहब, एक बड़ा वाला कुत्ता रखूं, बार बार दरवाजे पे आना पड़ता है। अबे तू है ना, कुत्ते की क्या जरूरत है? ये माशाल्लाह सारा माल घर पे ले आए, दुकान बेच दी क्या? अबे जितना कहा जाए ना उतना काम किया कर, तू समझ गया? उठा। इतना सारा गोश्त, या तो आप बड़े साहब के मरने पे लाए थे या फिर सबा के पैदा होने पे। वैसे आप कौन, पैदा हुआ या मरा है? तू मरने वाला मेरे हाथ से। अरे कौन है वहाँ? अरे हमें और कौन होगा? क्या हो रहा है यहाँ? अरे साहब है, टी प्रिया है, मुझे बताने का शुक्रिया। हमीद भाई घर में कोई दावत है क्या, इतना सारा गोश्त? अबे धंधा सोल चल रहा था, मैं क्या चलो घर पे उठा के ले चलू माल। ऐसे वैसे धंधा कैसे सोल चल रहा है, सबका तो इतना सेवा चल रहा है, ध्यान लगाया करो ना। मैंने क्या फारसी में पूछा था जो आपने डांट दिया? चमाट मार लो तेरे भाई। अमित भाई हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह तुम्हारे धंधे में बरकत डाले बस। हम भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह नजरे बस से बचा ले, अल्लाह नजरे बस से बचा ले, अल्लाह नजरे बस से बचा ले। अब समझ रही हूँ मैं हमीद भाई, ये तुम किसकी नजरों की बात कर रहे हो, लेकिन कहा कैसे नजर रखनी है सब जानती है नीलोफर। ए मम्मी ये जमाल गोटा। ऐसा बोल, खालिश लग रही है बिल्कुल। वैसे मेरे मुन्ने मुझे दिन पर कम प्यार आता है, लेकिन आज बड़ा प्यारा लग रही है। वैसे एक बात बोलूं मम्मी, तुम्हारे में और चुड़ैल में ना सिर्फ दिन और रात का फर्क है। क्या बके जा रही है? इतनी शैतानी सोच है तुम्हारी, मैं क्या बताऊं तुमको, अल्लाह तौबा माफ कर दे। बात सुन भाई, जब घर के मर्दों के दिमाग में भूसा भरा हो ना, तो औरतों को इन लगाम में कसनी पड़ती है। ये जो करने जा रही हो ना तुम अम्मा, इससे लगामें कसेंगी नहीं बल्कि ढीली हो जाएंगी। क्या बकवास है, बंद करो इसे। ये देखो कुदरत का अनमोल तोहफा, जमाल गोटा। वाह वाह जमाल गोटा, यानी कि 5 मिनट में जो है वो पेट साफ, कहीं तुम्हें कब्ज तो नहीं हो गया? ना रसीद, काश मेरे पास बंदूक होती मैं तुम्हें गोलियां मार देती। ना हक कतल बड़ा गुनाह है भाई, लेकिन हराम चीज को मारना तो सवाब है। नीरू बेगम भाई मजाक बड़ा अच्छा कर लेती हो तुम। रसीद ये जमाल कोटा में हमीद भाई के फ्रोजन फूड के पैकेट में डाल दोगी। वाह यानी एक तीर से 2 शिकार। शुक्र तुम्हें समझ आ गई ना, खाना भी फौरन हजम हो जाएगा। वेरी गुड रसीद, तेरे प्यारे रसीद, सच सच बताओगे एक बात? क्या माजरा है भाई, इतनी सॉफ्ट। अच्छा बोलो। जब अकल बट रही थी तुम कहाँ थे? मैं लाइन में सबसे आगे था। तो अकल बटना यकीनन लाइन में सबसे पीछे से शुरू हुई होगी। मैं समझा नहीं। सलामुअलैकुम इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह की कसम मैं आपको पक्की खबर दे रही हूँ, ये लोग अपने फिरोजन फूड में जमाल गोटा मिलाते हैं। आप फिकर ही ना करो, आप पूछो मैं दूंगी आपको सबूत। मैं तो कहती वारंट भी ले आओ, अंदर कर दो, कितनी सील कर दो इनका। आ रहे आ जाए आ जाए। वाह वाह मम्मी वाह, वे अब्बा खाल छुरी से उतारते हैं, अब जबान से उतारते हो। वाह सुभान अल्लाह भाई, एक काम करो ऐसे चुको कहो के फाइन ज्यादा लगा ताकि हमारी भी दिहाड़ी लग जाए। छोटा दिमाग छोटी सोच छोटा आदमी। अबे तेरी क्या हो जाए, मानती है ना फिर मुझे? किसको? अरे मुझे और किसको,
बड़ा घात घात लगाया, बस ये ऑर्डर हुआ और यहाँ डिलीवर करके आ गया मैं कल। हे जी, माल का है? मैं किचन में पड़ा हुआ है, बस तो फिक्र ही ना कर, ऑर्डर आने दे। अब्बा, मैंने ना शॉपिंग की ना लिस्ट बना ली है। बात सुन, इतनी मेहनत के बाद तुझे ना चाय बनानी चाहिए थी। चल निकल, चल। लाती हूँ बना के चाय। चाय बना लो। फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। हेलो, जी जी सलाम अलैकुम, बात कर रहा हूँ अमित कुरैशी। हाँ जी, है जी। हाँ हाँ भाई, कोई मजाक नहीं है अमित, तो आ जाओ आ जाओ। हाँ जी जी सलाम अलैकुम। मुबारक हो जी, मुबारक हो, माल देखने के लिए आ रहे हैं ना। अबे किस बात की मुबारक दे रही है, तेरे अब्बा की सालगिरह का मुबारक। अबे फूड अथॉरिटी वाले आ रहे हैं माल चेक करने। वाह भाई, जेम्स बॉन्ड 000 जी, कौन? मेरा नाम सज्जाद अली है। अरे वाह वाह, फिर तो कुछ सुना दे। इंस्पेक्टर सज्जाद अली फ्रॉम फूड अथॉरिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो वाले फूड इंस्पेक्टर हैं? वो वाले कौन से? वो जो खाना चेक करने आए हैं हमीद साहब का। फ्रोजन फूड उन्होंने शुरू करा है? नहीं, मैंने और मेरी फैमिली ने, जो वहाँ गांव में होती। फूड इंस्पेक्शन करने आए हूँ। चलो हाँ चलो 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 आराम से। हमीद साहब को बुलाओ। थोड़ा आराम से, अभी बुला के लाओ। हाँ जाओ जाओ बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमीद साहब आप हैं? अल्लाह ना करे भाई, ये हो हमीद साहब, हम ऐसे काम नहीं करते। कैसे काम? अभी पता चल जाएगा कैसे काम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हमीद साहब आप हैं? हाँ जी, हमीद कुरैशी, मेरा नाम है, रांची का। फ्रोजन फूड का काम आपने शुरू करा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शुरू किया भैया। हमें खबर मिली है आप अपने खाने में कुछ ऐसी अज्जा मिलाते हैं जो पेट के लिए नुकसान दे। नहीं नहीं, नामुमकिन, आपसे किसने कह दिया भाई? किसी खातून का फोन आया था। हमारे भाई साहब तो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, फ्रोजन फूड का हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, हमने बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया अपनी प्रोडक्ट। दिखाए का है आपका फूड? हाँ हाँ अभी दिखाए थे, इसमें क्या मसला भाई? दिखाओ दिखाओ। ये देखो, ये ऐसे डब्बों में अंदर पैक किया हमने, बिल्कुल ये देखो। हमारी खबर बिल्कुल ठीक निकली। ये कैसे हो सकता, हमारी नहीं है भाई ये। ये आपके फूड पैकेट में से निकला है और आप कह रहे मेरी नहीं है? हाँ भाई साहब, अब पैसे कमाने के लिए इतने गिर जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो डीलोवर, इतनी जोर नौकरी? नहीं नहीं, यकीन करो भाई, हमारी नहीं है यार। ऐसे नहीं अमीर साहब, ये बातें होंगी सारी थाने में और जहाँ होगा 302 का पर्चा और आपका किचन होगा सील। हेलो, हाँ ये अमीर साहब के घर मोबाइल भेजे, रेड में इनके घर खाने में जमाल कोटा निकला है, और हाँ अरेस्ट वारंट भी साथ भेजना। क्या हो रही है? बिजनेस प्लान फेल हो गया है? आ भाव काशु है, मंगल वाले दिन अच्छा हल्का है जनावर तो काट क्यों रहा, अपना दामाद बना लेना गोल टिमनी के। माशाल्लाह बीमार भी है, उई उई उई, बड़ी बुराई की भाई उसने है, सांस चल रही है उसकी। अबे जनावर है तेरा नाना पू है, बनकर गोल टिमनी का। ले पप्पा, क्या हो यार, आज छुट्टी है, मैं कहता हूँ हलवा पूरी खाते। मुन्ना भाई बनाओ, मुन्ना भाई निहारी खिला दू निहारी। अरे वाह पप्पा, आज तो बिल्कुल सऊदी शहजादा चल रहा है, बिल्कुल खाऊंगा। बाजू की मछली दे दे, अभी बना लेता। वाह पप्पा वाह, बाप जवान बेटों को अपना बाबू बनाते हो, तुम अपना बाबू का बाबू काटने की बात कर रहे हो। अबे शुक्र कर शुक्र कर, सिरी पाएगी बात नहीं की, वरना तुम तो फारिग, समझ आई ना तुझे? क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है इन खाली पतीलियों में? ये जो है ना, ये दयूस मनूस, ये हलवा पूरी की डिमांड कर रहा है, हलवा पूरी खाएगा। पप्पा ये गाली नहीं दो, वरना मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया ना, तो आप माइंड कर जाओगे। अबे तेरी टंग जो है ना, उसको काट के ना फ्राई कर दूंगा। अरे बात सुनो, ये क्या स्लिप स्लिप लगाया हुआ है, फारिग हो तुम दोनों? नहीं 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 पप्पा, बहुत बिजी चल रहे हैं, देखो अपने औजार चमका रहे हैं। अरे फारिग बोलो, हुक्म करो। रसीद, वॉशरूम में
बाल्टी है खत्तई रंग की पानी से भरी हुई, दोनों जाओ जाके डूब मरो। नहीं नहीं मम्मी नहीं भाई, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, तो ऐसा करो पप्पा ये काम आप कर लो जाके। बड़ा अच्छा सिला दिया है तूने मेरे प्यार और मोहब्बत का। रसीद, ये जो तुम प्यार करते हो ना, ये प्यार नहीं है, ये मेरी जिंदगी में एक प्याज है जिसे देख के सिर पे आंसू टपकते हैं। ओई हुई वाह, मैं जाऊं यहां से। ए रसीद बात सुनो, अगर इस हफ्ते में इस घर का फैसला नहीं होया ना, तो ये बात सुन लो, तुम्हारी इस घर से छुट्टी। ये सुन, ये मेरा ही घर है। बड़ी जीप चल रही, काट के हाथ में रख दूंगी। हैं? बड़ा दिमाग चल रही है, मेरा घर है मेरा घर है, जो कह रही हूँ वो हो जाना चाहिए, समझे? मुसीबत हर काम मुझसे करवाते हैं, सब्जी काटो। ये इस तरह सब्जी काटेगी ना तो सास से इतने जूते पड़ेंगे याद करेगी। बहू और बांदी में फर्क होता है हिटलर माँ। सास में फर्क नहीं होता, जल्दी जल्दी आ चला, जल्दी जल्दी। अम्मा मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे तो उम्र भर तेरे साथ रहना है माँ। अपने बाप को जानती है ना तू, और क्यों नहीं करनी शादी, समाना क्या कहेगा? कुछ तो लोग कहेंगे। अम्मा मुझे लोगों ने थोड़ी पाला है, मुझे तो तुमने पाला है ना, कुछ तो ख्याल करो अपने चांद जैसी बेटी का। अम्मी जी इस टॉन पर ग्रहण लगा देंगे, जल्दी जल्दी हाथ चला। अपने कमरे से कभी प्लेटें उठा भी लिया करें, आप लोग जानवर है क्या, जहाँ खाना खाते हैं वहीं पे मेरा मतलब प्लेटें छोड़ देते हैं। राजू देखो जुल्म हो रहा है मुझ पे, जुल्म। कभी मौका दे ना ताकि मैं बताऊं जुल्म किस नाक का नाम है। 100 डंग मारूंगा और गिनूंगा एक। सारे बर्तन यहीं रख दे, आज सवा ना पूरे घर के बर्तन धोएगी। जी अम्मी जी आई आई। अम्मा क्या सच में तुम नानी की बेटी हो, या नानी ने तुम्हें कहीं से ले लिया था? अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी हांडी चढ़ानी है। चल आई अम्मी जी आई। लगे हाथों रशीद साहब के भी धो दे। मेरा उन लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं, जाकर ये मेरा पैगाम दे दो उन्हें, जा कबूतर जा। और अगर ये कबूतर उड़ा ना तो मोर्चे फाड़ के ही वापस आएगा, गोश्त फ्रीजर में है और आज अगर कच्चा हुआ ना तो मैं अपने सर लेने वाला नहीं। इतनी नफरतें, इतनी नफरतों में एक फूल कैसे खिलेगा मेरे सरताज? ये सरताज से नहीं माली से पूछो। अल्लाह पाक वे बॉन्ड लगवा दिया मेरा, बस हाँ जी बिस्मिल्लाह। एक एक चार चार दो दो सिवर सिवर तीन दो। क्या हुआ? अबे जब मेरी किस्मत खुलने लगती है ना तो तू नहुसत कितना आ जाती है, और क्या होगा देख, शादी हुई थी तुझसे मेरी, क्या हुआ था? कुप्पो की टांग टूट गई शादी की पहली सालगिरह पे, खाला गलती हो गई, और जब माँ बनी तो घर पे चलती पड़ती फिर माँ भी। आपको क्या लगता है जी ये सब मेरी वजह से हुआ है? नहीं तेरी वजह से नहीं हुआ, सुनामी की वजह से हुआ है। अच्छा छोड़े, ये बताया आपने क्यों बुलाया था जी? अब मुझे लगा कि मेरा प्राइज बॉन्ड निकल गया, लेकिन जहाँ आखिरी नंबर आया ना मैं नहुसत की तरह दुआ गई, और क्या हुआ? मैंने क्या किया जी? अब इसी बात का तो रोना है कि तूने कुछ नहीं किया, दिमाग की दही हो गई है। अच्छा तेल लगा दूं? पूछ रही है तेल ले क्या, सर बाजा मना हुआ भेजा निकले जल्दी। मालिश कर दूंगी बच्ची। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, मेरा घेरो सजन मजबूरियां हैं। उमेर तुम्हें गाना क्यों नहीं आता? फिल्मों में तो सारे हीरो हीरोइन को देख के गाना गाते हैं ना। तो ये लो सबा सबा, जब से तुझको देखा मेरा दिल ये मुझसे बोला है कौन ये बदरू सबरू। उमेर तुम्हें मैं बदरू लगती हूँ? नहीं तो? तो अभी तो तुमने बोला। अरे मैंने तो सिर्फ गाना जोड़ा, मुझे भूल गया तो जो दिल में लगा दिया मैंने बस। वाह 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 वाह, गोश्त बाहर रखे खुद यहाँ बैठे। भाई राजू खाने का क्या सीन है, भूख से जान निकल रही है। क्या सीन क्या मतलब, जब पक जाएगा खा लेना। उमेर बोलो ना तुमने क्या खाना है आज? मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। हाथ धो के खाना पका लेना, क्योंकि इस घर में बाकी लोग भी रहते हैं। राजू
तू मेरे हाथों अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा किसी दिन। कहने दो इसे मैं, और ये कर भी कह सकता है। अब किसी ने क्या खूब कहा है ना, अब क्या कहा है, हाँ याद आया, अब काश मैं अपनी जिंदगी प्यार में गुजार दूं। आगे क्या था भाई? अगर तुम बोलो तो मैं अपनी मूछें उतार दूं। वाह वाह वाह, प्यार में अंधे तो देखे थे, बदजोक पहली बार देख रहा हूँ, बल्कि सुन रहा हूँ। वक्त पड़े तो दिल के साथ जान भी वार दूं। यही था। राजू समीर से बात कर, सभा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अबे ओ मारखोर, सिर्फ शेर मुकम्मल कर रहा था, और ये फिल्म सिर्फ देखने की हद तक ठीक है, साथ रहना तो अल्लाह माफ करे। राजू खाना बना दो ना, वैसे भी मेरा पसीने में भीगने का कोई मूड नहीं है। चुपचाप किचन में चलो, तुम लोगों के बाप का नौकर हूँ, तुम लोगों के बाप का नहीं। ये माउस ट्रैप का बंदोबस्त करता हूँ तेरे लिए मैं। इस माउस ट्रैप की जगह ना तनख्वाह का बंदोबस्त कर दो, वो बेहतर होगा। पापा अच्छा ये देखो, ये खुशबू अच्छी है, ये खुशबू अच्छी है। अल्लाह जाने रसीद क्या खूबी है तुम में, तुम कोई सी भी खुशबू लगा लो ना, तुम पे पड़ते ही मट्टी के तेल की सी आने लगती है। अबे मैंने तो सिंपल सी बात की थी, तू तो पीछे ही पड़ गई मेरे। अरे बहुत बोलते हो तुम रसीद, बहुत बोलते हो। मेरी बात सुनो गौर से। बोले वकील को फोन लगाओ अपने। तलाक दे रही हो क्या भाई? काश। अबे इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा, पटकता फिरूंगा। अपने मनहूस वकील को फोन लगाओ और उससे कहो कि हमीद कुरैसी के नाम पर घर के कागजात बनाए। फिर हम पुलिस को फोन कर देंगे। इसको कहते आ बैल मुझे काट। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। हमीद के नाम पे होंगे ना वो कागजात। तफसील से बताओ तुम करना क्या चाहती हो, बोलना क्या चाह रही हो? ये समझाने से भी क्या फायदा होगा, तुम्हें कौन सा समझ में आ जानी है मेरी बात? जो मैं कह रही हूँ ना, बस उत्ता क्या करो, दोनों भाइयों के नाम ना बनवा दूं। जेल जाना चाहते हो है? जितना बोल रहा है ना उत्ता क्या करो, अपनी किडनी नहीं चलाया करो तुम ज्यादा, मतलब तलाक के कागजात भी बनवा लो। अच्छा तो फोन करो फिर। घर पे खत्म था, अम्मी ने बिरयानी भेजी है। ओए मां सदके थैंक यू, आपको पता है इन लोगों ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, पर आप मेरे लिए ले आए हो, थैंक यू। बाय बाय बेटा, बाय बाय। ये अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, बिरयानी। हाँ शुक्र है अल्लाह मियां, भेड़ बकरियों से जान छूटी और कोई 350 साल बाद चिकन खाने को मिला। या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र, मुझे पता है तू मुझसे बड़ा प्यार करता है। कौन है बे, कौन था? जब आप ही ने नाजिल होना था तो दरवाजा खोलने के लिए, तो मुझे क्यों भेजा था, मुझ पे एतबार नहीं है? अब्बा ने एक सिंपल सा सवाल किया है कि दरवाजे पे कौन था? खत्म था सामने वाले घर में। तो तेरा खत्म करने आए थे क्या? खत्म के बर्तन भेजे। खत्म के बर्तन? जी। खाली बर्तन भेज दिए क्या? नहीं कुछ उनमें बीच में है, कुछ कुछ है भी क्या है, दिखा छुपा क्यों रहा है, दिखा। रूह कब्ज कर ले मेरी, ये है चावल है इसमें, चवलो मेरा मतलब चावल है इसमें। अच्छा चावल, एक काम कर मेरे कमरे में ले आकर। ऐसे कैसे हमीद साहब, छीन के दिखाएं अब आप फिर मुझे। छोड़, एक ही बार में मार क्यों नहीं देते? थोड़ा देखे तो सही है क्या? ओए होए बिरयानी, वो भी चिकन की। अब्बा तो चल निकल यहाँ से, मैं भी खाऊंगी। चल अब्बा मैं भी खाऊंगी। रसीद तुम्हारा ये वकील भी ना तुम्हारी तरह एक लाश ही है वैसे। ये तेरा लाश ये सोच रहा है कि मैंने तुझसे शादी क्यों की? ए बड़ी जवान चल रही लल्लोलाइजेशन है, ये तो मुझे खुद अपने से सवाल करना चाहिए। नीलो तूने क्यों की सख्त से शादी? खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारा भेजा भी बहुत ही ज्यादा है भाई। ए बस बस, चापलूसी नहीं चाहिए मुझे, वकील को फोन लगाओ। तेरे इसी रवैये की वजह से ना मेरी एक ही औलाद हुई है। वो भी ना होती अगर मेरी माँ की दुआएं ना होती साथ तो। अबे तूने तो डरा ही दिया मुझे बिल्कुल। जैसे ही घर के कागज बन के आए ना, फौरन जाकर हमीद भाई को गिफ्ट कर देना। अल्लाह कौन सा गिफ्ट? अरे फिकर ना करो, गिफ्ट जो है वो शिफ्ट होगा, बस भाभी आगे देखो होता है क्या। राहिला भाभी घर के कागजात तुम्हारे नाम, ऐस करो, जाओ राहिला जी लो अपनी जिंदगी। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? अरे राहिला भाभी कैसी बातें कर रही हो, ख्वाब में ऐसी चीजें आती हैं क्या?
अरे कोई खावाव नहीं है, जश्न मनाओ, अपने मियाँ के साथ बेले करो, सालसा करो। उमेर और सभा की शादी वाली बात पक्की समझो नीलू? 100% पप्पन का प्यार है, कोई मजाक है क्या? हाय अल्लाह, ऐसी जिठानी ना, अल्लाह ने सबको दे। आमीन ना कहना, आमीन ना कहना भाई। ए? मेरा मतलब है, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता, मैं क्या करता? राजू कमाल हो गया अम्मी जी, कमाल हो गया। पर क्या हो गया, क्या हो गया? कमाल हो गया अम्मी जी, कमाल हो गया। हमारे तो लड़की हुई थी, कमाल कहाँ से हो गया? आपको पता है भाई रशीद और नीलू पर आपको गिफ्ट देने वाले। गिफ्ट नीलू पर? बम होगा उसके अंदर, बता रहा हूँ, ध्यान से खोलियो, कंफर्म बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। तो कान भी बदलवा ले अपने, ऐनक तो ठहरती नहीं इस पे, सुनेंगे हाथ। वो जो घर के कागज है ना, कागज तो आपके नाम कर रहे और उमेर और सभा की शादी के लिए भी मांगे। क्या बकवास कर रही है, ध्यान से बोला कर। मेरी फोटो कापियां रखवा लें इस घर में दो चार, घर के हर कोने से आवाज आती है, राजू राजू जी आ गए हूँ, बोले। कहानी खत्म हो गई तेरी, है? चल जा कावा बना के लेगा जल्दी से, और ये खबर कंफर्म है। मैं खुद पूछ कर आ रही हूँ, आप मेरा यकीन करें। तू एक काम कर, खीर भी बना ले, अब दो तलवारें एक म्यान में जाने के लिए राजी हो गई। म्यान फट ना जाए देख लीजिए। बस जितना कहा जाए उतना क्या कर, तू निकात खोले, समझा? चल जा ठोक के लाई चीनी। अल्लाह ने मेरी ना सुन ली। हाय आ गए कागज। ये कागजात तो असली से भी असल टीप रहे हैं, फर्क सिर्फ तुम्हारे में दस्तखत का है। वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट थी, वो हमीद से मिलने के लिए जेल तो जा सकता हूँ ना मैं। भाई रिक्वेस्ट की क्या बात है, जम जम जाओ, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि तुम शिफ्ट हो जाओ वहाँ। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने कहा भाई है मिल लूंगा, वहाँ कोई मोबाइल तो होता नहीं है, वो सियासतदानों को मिलता है और किसी को तो मिलता नहीं है वहाँ। मेरी बात सुनो रसीद, ये जो तुम्हारे अंदर सफकत जोश मार रही है ना, इसे बेहोशी का टीका लगाओ कर यहीं सुला दो, तो पतीली में डाल के भून डालूंगी। बड़े खतरनाक काम है। ये क्या बात है, राजू ने भी मुझे बताया कि बिरयानी आई और चाचू सारी खा गए, मैं बता रही हूँ ये चाचू जाया हो जाएगा मेरे हाथ से। ए, शेर का बच्चा मेरी औलाद, ये देखो जा मुन्ने करा। अरे चाचू है तेरा चाचू, वो चाचू नहीं है वो चाकू है, सारी की सारी बिरयानी खा के हमको तोड़ी भी नहीं दी। हाय मुन्ने खाने दे खाने दे, ऐसी प्लानिंग लगाई है ना, जो कुछ भी इस घर में आएगा सब हमारा ही होगा। मतलब दो दो घंटियां लग रही है मम्मी, वेरी गुड। मेरे मुन्ने में सद के जाओ तेरी अकल पे, बिरयानी खाना और अपनी मछलियां बनाना, इतना दिमाग पे जोर ना डाल। ये ऐसे होते हैं माँ बाप, सीखो कुछ, मम्मी सिखाओ इनको कुछ। ऐसे नहीं, ऐसे सांप होते सांप। ए रसीद ये बड़ी लल्लो चल्ली है तुम्हारी, सब देख रही हूँ मैं। एक कान ना झुमके पहनने के लिए नहीं है, खाली सुनाई देता है सब कुछ मुझे। अबे तो क्या पंखे से लटका दोगी, फांसी दे दोगी मुझे? हाय तेरा बस चले तो फौरन दे दूं, लेकिन ऐसी जल्दी भी क्या है? मुझे तो जल्दी है ना, जान तो छूटेगी तेरे से। ऐसा चको फोन लगा। अमित जी देखे, मैंने ना नीलूफर के लिए सूट लिया है और भाई रशीद के लिए खुशबू। भाई रशीद की बदबू जिंदगी भर नहीं जाएगी, मरेगी भी नहीं वो, तेजाब से निलाना पड़ेगा भी नहीं। खुशी का मौका है ना जी, तोहफा तो देना पड़ता है ना। मुंह तो देख अपना, खुशी के मारे तोहफे जैसा हो गया तेरा। अबे राजू खेल लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारा। अबे आराम से रहना जी जरा। भाई साहब आपके लिए मेरे पास एक खुशी की खबर है। अबे आप खड़े खड़े सारी बातें हो रहे हो क्या, बैठो तो सही। अच्छा चलो बैठो अपने। अरे वहां का जा रही है, यहाँ बैठने ये भी तो खुशी है, बैठो। ओए ओए अस्सलाम वालेकुम छोटे। अबे बोल दे छोटे, बोल दे जो बोलना बोल दो। सुनिए जी अब दे दो तोहफा। अबे समझ कर लूंगा तोहफे की नस्ल। भाई हमने ये फैसला किया है कि राजू खेल लिया। हमीद भाई आज से घर आप लोगों के हवाले, आप लोगों को दिया हमने। क्या तेरा काम हो गया, दफा यहाँ से। जहन्नम से खैर की खबर, अल्लाह खैर करे। चल निकल कट। अच्छा तो ये घर तुम लोगों ने मेरे नाम कर दिया। अरे भाई है तू मेरा, हमीद मेरा भाई है। अबे तेरे खातिर 10 घर तेरे सर पर वार कर दूं। कैसे कैसे बोल रहे हो,
झूठ भी सच में कुछ हो रही है? विस्पर में बोल, विस्पर में, विस्पर में, विस्पर। समझा नहीं मैं क्या कह रही है। अरे छोड़ो अमित भाई, समझने की क्या जरूरत है, तुम खुशी एंजॉय करो। नहीं दूंगा ना ये लीजिए भाई। अल्लाह भाई दे यार, बाबा क्या बात है। अब्दुल जी, अबे अमित कुरैशी, हमने तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है और तुम्हें दो नंबरी के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। अबे रशीद ये क्या तमाशा है भाई? अमित ये कहाँ है खुजी? अबे तू चुप करके बैठ, चूल्हे में डाले तोहफे को। दो नंबर कागज बना लिया आपने, घर हड़प रहे थे आप। ओए होए, अबे जाली, हम पांच तक गिनेंगे, अगर बाहर नहीं आए तो हम अंदर आ जाएंगे। अबे जाली किस बात की, तो तुम लोगों ने मुझे दिया भी। कौन से कागज? हमने तो कोई कागज नहीं दिए भाई। ये मैं तोहफे अंदर रख कर आती। अबे मैं अंदर हो गया, तुझे तोहफों की फिक्र लगी हुई है हमीद? अबे ये सब क्या हो रहा है यार? अबे छोटे, जेल में खाना भी इसी घर से जाएगा। अबे निकात खोले। पक्के कसाई, ऊपर से है भाई भाई।